यहाँ पर ये मेरा फोन है। अब अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पर मेरे नोटिफिकेशन पैनल होता है जहाँ पर मुझे अपना डाटा मतलब काफ़ी सेटें मुझे यहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन अब ये एक नॉर्मल है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अपना फोटो सेट करना कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर आपको अपने दूसरे फ़ोन के अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए, चलिए मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं अपने नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके स्वाइप करूँगा तो यहाँ पर मैंने एक फोटो को ऐड किया हुआ है। कितना जबरदस्त यहाँ पर लग रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कुछ नोटिफिकेशन के अंदर अपना फोटो सेट करना है, यहाँ पर आप अपना फोटो काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर आप यहाँ पर नहीं जाइए और यहाँ पर आप ये कमेंट टाइप कीजिए कि आप अपना फोटो किस फोन के अंदर लगाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं वीवो फोन के अंदर अपना फोटो लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप कमेंट टाइप कीजिए और इस कमेंट को आप सेंड कर दीजिए। तो चलिए अब हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो जैसे मैं ऐप को ओपन करूँगा कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये डिसेबल होगा तो आप इसको इनेबल कर देना। इसके बाद आपको दो परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आप इन दोनों परमिशन को अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप मिल जाए कलर्स का एक ऑप्शन, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कस्टम बैकग्राउंड इमेज, आप यहां पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपके सामने आपकी गैलरी वगैरह फोटोज वगैरह जहां से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर आप क्लिक कीजिए। अब चलिए यहां पर मैं कोई भी एक फोटो ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप इस फोटो को क्रॉप कीजिए अपने हिसाब से। जैसे कि यहां पर मैं इसको फोटो कुछ क्रॉप कर लेता हूं। अब क्रॉप करने के बाद देखिए ऊपर आपको एक ऑप्शन जगह सेलेक्ट का, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप सिंपली बस बैक आ जाइए। अब बैक आने के बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके नोटिफिकेशन पैनल पर ये फोटो कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है, जो कि यार देखने में काफी जबरदस्त लग रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल के अंदर अपना फोटो ऐड करना, अपने दोस्त का फोटो ऐड करना, तो यहां पर सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी है। उस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। दोस्तों फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।